वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स या आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एमजी हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट, जो इसी साल 2023 में एमजी हेक्टर का न्यू मॉडल आया है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स या आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो आपने इस गाड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें सुनी होगी यूट्यूबर से, पर आज हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेरी वीडियो पे बने रहें ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइड का अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें वो है इस गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन। आपको इस गाड़ी में फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिलती है विद न्यू ग्रिल। काफ़ी पसंद आई मुझे फ्रंट लुक इस गाड़ी की। पर अगर हम साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इस गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। आपको वही बॉडी फेंडर्स देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स। सो अगर एमजी अपनी हेक्टर 2023 में न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर देती कस्टमर्स को, वो काफ़ी बढ़िया बात होती। अगर आप साइड से ओल्ड एमजी हेक्टर को न्यू एमजी हेक्टर से कंपेयर करेंगे आपको ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें वो है इसके रियर प्रोफाइल में। आपको न्यू स्टाइल की एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, वो तो काफ़ी बड़ी है। फीचर्स भी आपको पुराने वाले ही कंटिन्यू कर दिए गए हैं। पर अगर आप इसका बम्पर देखेंगे वहाँ पे आपको फेक साइलेंसर देखने को मिल जाएंगे। रियल साइलेंसर आपको इस गाड़ी के नीचे प्रोवाइड किया गया है। फेक साइलेंसर देखने में काफ़ी बड़ी है लेकिन है तो फेक ही है। सो ये फेक साइलेंसर्स मुझे काफ़ी बेकार लगे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में एमजी कंपनी को चाइना से कंपेयर किया जाता है एंड कहा जाता है ये चाइनीज़ कंपनी है। सो इंडिया में एमजी को ये चालू काम नहीं करने चाहिए। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसकी क्या सोच है, पर मेरी सोच मैंने आपको बता दी। सो ये करी हमने इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की बात, यानी कि आपको एक्सटीरियर डिज़ाइन में क्या बुरी चीज़ें इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको ये बात कितनी सही लगी हो फेक साइलेंसर वाली खासकर। सो ये मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, यानी कि वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स इन इंटीरियर। सबसे पहले अगर इसका ओवरऑल डैशबोर्ड देखें वो काफ़ी बड़ी है। उसमें आपको न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है 14 इंचेस का। सबसे पहली कमी है इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन एसी प्रोवाइड नहीं किया गया। ऑन द अदर साइड एक्सयूवी 700 में आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ एक और कमी है जो इसके एसी कंट्रोल्स है वो आपको इसके डिस्प्ले में ही देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी मुश्किल हो सकता है ऑपरेट करना जब इंसान गाड़ी चला रहा हो। सो अगर एमजी कंपनी इसके एसी कंट्रोल्स अलग से नीचे दे देती, ऑन ऑफ का बटन ही दे देती, वो काफ़ी बढ़िया बात होती। बाकी कमियों की बात करें वो है इस गाड़ी के फीचर्स। अगर एमजी कंपनी इस गाड़ी में हेड अप डिस्प्ले एंड रियर सन ब्लाइंड्स प्रोवाइड कर देती वो काफ़ी बढ़िया बात होती। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसको कौन से फीचर्स पसंद है गाड़ी में। मैंने ये दो कमियां आपको इस गाड़ी में बता दी। बाकी अगर मैं बात करूँ एसी कंट्रोल्स की, वो तो जेन्युइन है। आप इसके एसी कंट्रोल्स बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं एकदम कंसंट्रेशन से ऑन रोड। सो ये करी हमने इस गाड़ी के इंटीरियर की बात, यानी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या आप कह सकते हैं इस गाड़ी में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इंजन में जैसा कि आप जानते हैं इस गाड़ी में आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा 2023 में। आपको वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन कंटिन्यू कर दिया जाएगा जो प्रोड्यूस करता है 141 bhp एट द रेट 250 nm ऑफ टॉर्क, जिसकी पावर अगर आप कंपेयर करेंगे इसके कंपटीशन में आने वाली दूसरी गाड़ियों से, यानी कि XUV700 में आपको 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 200 bhp एट द रेट 380 nm ऑफ टॉर्क। एंड अगर आप XUV700 की पावर इस गाड़ी से कंपेयर करेंगे, जैसा कि आपने देखा काफ़ी डिफरेंस है, आपको इस गाड़ी में बेकार इंजन देखने को मिलता है, यानी कि पावर कम है, बेकार तो हम नहीं कह सकते एज़ कम्पेयर टू XUV700। सो जिस इंसान ने XUV700 पेट्रोल में चलाई है जब वो एमजी हेक्टर चलाएगा उसको डेफिनेटली पावर फील कम होने वाली है। एंड दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको सिर्फ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड XUV700 में आपको 2.0 लीटर का एंड 1.5 लीटर का तो आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलता है, यानी कि छोटी गाड़ियों में भी आपको 1.5 लीटर का देखने को मिल रहा है एंड इतनी बड़ी एमजी हेक्टर में भी आपको 1.5 लीटर का। सो अगर इसका सीसी ज़्यादा होता, यानी कि 2.0 तक, वो ज़्यादा बेटर बात हो।
सो ये तो बात कर ली हमने इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन की, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डीजल इंजन की। इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है जो प्रोड्यूस करता है 170 bhp एट द रेट 350 nm ऑफ टॉर्क। पावर फिगर्स काफ़ी बड़ी हैं एंड इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक पावर देखने को मिल जाती है। पर अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की, आपको डीजल में सिर्फ मैनुअली प्रोवाइड किया गया है। 2023 में भी आपको डीजल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक है ऑफ MG Hector 2023। जिन लोगों को गाड़ी चाहिए ऑटोमेटिक एंड उसमें डीजल वर्जन चाहिए, वो लोग MG Hector नहीं ले सकते। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है MG Hector का। इसके साथ मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में दी है। तो जो आपको इसमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है वो बेसिकली फिएट का इंजन है जो आपको टाटा हैरियर, टाटा सफारी, इवन जीप पंपस में प्रोवाइड किया गया है। पर सारी कंपनीज अपना ट्रांसमिशन यूज़ करती हैं। हैरियर में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है डीजल के साथ, पर आपको MG नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि इंजन तो सारे सेम है, यानी सारी कंपनीज एक ही इंजन यूज़ कर रही है पर अलग कंपनीज़ के अलग ट्रांसमिशन है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सो अगर हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स में आपको इस बार कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, ना नेगेटिव पॉइंट ना प्रॉब्लम। इस बार आपको 6 एयरबैग्स, ABS EBD, हिल असिस्ट, इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड उसके साथ आपको इस गाड़ी में ADAS के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इस गाड़ी की सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है। एंड इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2023 यानी कि इसी साल टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर का भी फेसलिफ्ट आ रहा है, जिसमें आपको ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इंटीरियर में भी विद न्यू फीचर्स एंड उसमें भी आपको ADAS के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उन दोनों गाड़ियों में आपको लेवल 2 का ADAS देखने को मिलेगा। सो अगर आप उन दोनों गाड़ियों के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं, आप आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो जाकर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स इन MG Hector 2023 फेसलिफ्ट। बाकी ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, इसमें आपको काफ़ी एडवांस लुक्स देखने को मिलती है। अगर मैं पर्सनली बताऊं, अगर आप इस गाड़ी को अपनी कंपटीशन में आने वाली दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, जैसे कि XUV 7 बोलो, टाटा हैरियर, इवन टाटा सफारी, उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस लुक आपको MG Hector में देखने को मिलती है। इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस है, जैसे कि एक जहाज़ रोड पर चल रहा हो। बाकी हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे होंगे, पर जो मुझे लगे मैंने अपना ओपिनियन बताया, आपका अलग हो सकता है। सो उसके लिए प्लीज़ ओफेंड नहीं होना। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो एंड करने से पहले आपसे फिर से इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। That will help you to buy right car according to your needs. So, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।